गाइस, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने फर्स्ट मेडल कब और कैसे लिया। ये वो मेडल है, फर्स्ट मेडल है जो मेरा इंटरनेशनल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके पीछे लिखा भी हुआ है एशियन ग्रैंड प्रिक्स 2015। तो ये एक्चुअली ये होती क्या है, ये तीन सीरीज होती हैं, एशियन ग्रैंड प्रिक्स 1, एशियन ग्रैंड प्रिक्स 2, एशियन ग्रैंड प्रिक्स 3। ये तीन का ही कॉम्पिटिशन होता है सीरीज, और तीनों में मेडल मिलते हैं। तो मेरे पास एक है, इसकी वजह है क्योंकि दो ग्रैंड प्रिक्स हैं। जब पहली ग्रैंड प्रिक्स से खेला था तो उसमें मेरा मेडल नहीं आया, उसमें मैं फोर्थ रह गया था। उसकी पिक भी है मेरे पास, तो काफी बुरा लगा। और सेकेंड वाली में ऐसे हो गया कि जैसे तीन दिन के बाद जब सेकेंड हुई तो मेरे कोच थे उस टाइम, मेरे साथ गए थे नवल सिंह, तो वो बोले देवेंद्र यार मेडल लेना बहुत जरूरी है, पीछे से प्रेशर आ रहा है कि जेवलिन टीम को हम वो कर देंगे, कैंप से निकाल देंगे, कोई भी जेवलिन थ्रोर नहीं रखेंगे। तो दूसरी वाली में फिर से नहीं आया और प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया। तो तीसरी वाली में ये मान लो कि बहुत गुस्से में अग्रेसिव था, फिर अग्रेसिवनेस थी, बट अपने उसके कोच के साथ वर्कआउट किया था। देन तीसरे कंपटीशन में फर्स्ट थ्रो में ही पता चल गया कि गोल्ड है। तो उसके बाद जब मैं वापस आया इंडिया में, तो सच मानना उतना मैं खुश नहीं था जितने मेरे कैंपर दोस्त जो जेवलिन थ्रोर थे वो खुश थे। हमने डांस भी किया है, उसमें नीरज भी बहुत डांस कर रहा है, मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गई तो मैं जरूर अपलोड करूंगा। और ये मेरे फर्स्ट मेडल की स्टोरी थी, और मेरे को बड़ी खुशी थी कि शायद अच्छा किया, कि भगवान की बहुत कृपा रही, मैं थैंक्स टू गॉड बोला, और उसके बाद हमारा कैंप कंटिन्यू रहा जेवलिन वालों का। देन 2016 में आगे फिर चलता रहा, नीरज के मेडल आते रहे, और ऐसे हम देश को रिप्रेजेंट करके अच्छी परफॉर्मेंस दे दी जेवलिन थ्रोअर्स ने। थैंक यू।